वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मौसम के हिसाब से इटालियन वेडिंग सूप बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास चिकन का कीमा है जो कि बारीक थोड़ा सा पिसा हुआ है। तो झटपट ग्लव्स पहनेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन का पाउडर, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो इस जगह आप पेस्ट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे कीमे में। और अगर इटालियन सीजनिंग ना हो तो इस जगह आप ओरिगनो डाल सकते हैं। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स और 1/2 कप पार्मेजान चीज अगर है तो डाल दें, एक्चुअली इस सूप में होती है। साथ ही इसमें हम 1 अंडा डाल देंगे। तो देखें बड़े अच्छे से हमने मिला लिया है। और यहाँ हमने एक पैन रखा है तो इसमें डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास तेल और छोटे छोटे कोफ्ते बना के इसमें डालने लगेगा। अगर आप चाहें तो आप पहले से बना लें और अगर चाहें तो मेरी तरह इसी वक्त बना बना के डालते जाएं। फ्लेम कर लेंगे मीडियम लो। सर्दियां आ गई हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ गई है, कहीं कहीं कम कम आ गई है, लेकिन जैसे सर्दियां आती है सूप सबसे पहले याद आता है। वैसे मैंने बहुत तरह के सूप बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक मिल जाएगा। और ये हमारा लास्ट भी जा रहा है। देखिए कैसे झटपट हमने फटाफट मीट बॉल्स बना लिए। ग्लव्स निकालते हैं और ये सेंटर में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देते हैं, हल्का सा 1 टीस्पून के आसपास। अब फ्लेम जो है अब मीडियम कर देते हैं। चलें यहाँ मीट बॉल्स को हम हिला देते हैं। तो बस बेसिकली हमें इसको अच्छा सा कलर देना है, कुक नहीं करना है। मतलब कुक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंटेंशन ये नहीं है कि कुक ही करना है, वो तो फिर कुक होगा, लेकिन हमें अच्छा सा फॉर्म कर देना है इसे। इस तरह से अच्छे से हिला लेंगे। अब फ्लेम मीडियम हाई कर देते हैं। तो देखिए अराउंड 5-6 मिनट हमने इसे कुक कर लिया है और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत ऑयल है हमारे पैन में, इसी में 1/2 टेबलस्पून और तेल डाल देते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 लाल प्याज जो कि दरमियानी डाइस की हुई है, जो कि 250 ग्राम के आसपास है। और साथ ही इसमें हम 1 लार्ज गाजर डाल देंगे जो कि बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट लिया है, 170 ग्राम के आसपास। इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर देते हैं। देखिए कैरेट्स और प्याज जो है वो अच्छे से सॉटे हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे 6 कप गर्म पानी। साथ ही अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी नोरिया मैगी की 4 चिकन क्यूब,
एक टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो ब्लैक ले ले, एक टीस्पून अनियन पाउडर और एक टीस्पून इटालियन सीजनिंग। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अच्छे से मिलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे एक कप ये चावल के शेप का पास्ता। ये देखिए इस तरह से है, अगर आपको मिलता है तो सही है, अदरवाइज आप छोटे से एल्बो मैक्रोनी होती है ना वो भी ले सकते हैं, छोटा से छोटा कोई भी पास्ता ले लें। तो ये चावल के शेप का है, एक कप है, ये डाल देंगे। मिला लेंगे और साथ ही अब अपने ये मीट बॉल भी डाल देंगे। मिला लेंगे और अब इसे कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। चूल्हे को कर देते हैं मीडियम लो। देखिए 20 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो यहाँ हमारे पास दो अंडे हैं, इसको तोड़ लेते हैं। वैसे हम अंडे डालते हैं सूप में, लेकिन इसमें बहुत अलग तरह से डालेंगे। तो ये अंडे फेंट लेते हैं और अब सूप को खोलते हैं। ये देखें खुशबुएं शानदार आ रही है, ख़तरनाक आ रही है। ये पास्ता भी बड़े अच्छे से फूल गया है। थोड़ा सा यहाँ से सूप लेके एक बोल में निकाल लेंगे, अराउंड आधा कप के आसपास। और अब हमें एग को टेम्पर्ड करना है। टेम्पर्ड मतलब ये सूप में डालना है लेकिन अंडे को पकाना नहीं है। तो ये हमने जो फेंटा है ये गरम वाला डालेंगे थोड़ा सा, और इस तरह लगातार फेंटेंगे, थोड़ा सा एक आध टेबल स्पून के आसपास डालेंगे और चलाते रहेंगे। बहुत फास्ट चलाना है और इसको मिलाना है। ये सारा हमने डाल दिया और ये देखें अंडा जो है अंडा ही है। अब इस पॉइंट पर ये अंडे जो है इसमें हम डाल देंगे सूप में, तो एक नाइस ब्यूटीफुल ख़तरनाक सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी सूप की। देखिए एकदम क्रीमी सा हो गया। तो अब इसको हम लिक्विड को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा गरम गरम पानी डाल के। यहाँ मेरे पास दो कप पानी है, मैं देखूँगी कि कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डालेंगे। तो ये डेढ़ कप मैंने पानी डाल दिया है और अब इसमें लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट डालेंगे स्पिनच। तो यहाँ मेरे पास साफ सुथरी बेबी स्पिनच है जो कि दो बिग हैंडफुल है, तो ये डालेंगे। और इसको मिला लेंगे। कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा इटालियन वेडिंग सूप बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। अदर फ्लेवरफुल है, सूदिंग। और जो मीट बॉल है उसमें भी क्या मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है,
सो कोजी, सो सूदिंग और कंप्लीट मील है। और देखा कितना कम इसमें फैटनिंग वगैरह है, वेरी हेल्दी। और आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया अगर जब आप लोग खाएंगे तो। और अगर आपको थोड़ा तेज पसंद है तो उसके ऊपर आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, कोजी है, लेकिन तेज़ी आपके हाथ में है। लेकिन बनाना बनता है, ख़तरनाक बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।